आज हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, जिसे पॉपुलरली नोएडा एक्सटेंशन भी बोलते हैं। ये एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जिसमें 97% रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है और केवल 3% कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन है, जो डिमांड को बूस्ट करते हुए रियल एस्टेट के कॉमर्शियल सेगमेंट में एक हाई आरओआई को अश्योर करता है। और आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हो होम एंड सोल द्वारा कंस्ट्रक्टेड बुलेवर्ड वॉक को। आइए अब आपको इसकी डिटेल्स में ले चलते हैं। आसपास मॉल्स हैं, सिनेमा थिएटर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, प्ले जोन्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एरिया प्रॉपरली कनेक्टेड है NCR की सभी लोकेशन से। ये वो हाईवे है जो आपको सीधा नोएडा कनेक्ट करता है और दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा है। ये एक लैंडमार्क लोकेशन है और ऐसी लैंडमार्क लोकेशन पर होम एंड सोल डेवलपर्स लेकर आए हैं बुलेवर्ड वॉक। ऐसी प्रोमिनेंट लोकेशन पर एक लैविश लाइफस्टाइल के लिए बुलेवर्ड वॉक में तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है वो है द मॉल, उसके बाद जो आपको बड़ा सा टावर दिख रहा है वो है द हॉल्ट, और बिल्कुल लेफ्ट में जो टावर दिख रहा है ये है द विंग। द मॉल की बात करें तो द मॉल जिसमें रिटेल जोन, एंकर स्टोर्स, हाइपरमार्केट, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन और 7-screen मल्टीप्लेक्स है। द विंग की बात करें तो इसमें प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस और कोवर्किंग स्पेसेस हैं। द हॉल्ट जिसमें हॉलिडे इन होटल है और प्रेसिडेंशियल सुइट्स हैं। प्रोजेक्ट को फ्लोर वाइज समझना हो तो ये 21 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें 2 levels पर बेसमेंट पार्किंग है, जिसका यूज रिटेल शॉप, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट्स, मल्टीप्लेक्स विजिट करने वाला क्राउड इजीली कर सकता है। पार्किंग की बात करें तो 6th floor to 9th floor तक मल्टी लेवल कार पार्किंग है। बिल्डिंग के 31 फ्लोर फुली फंक्शनल होंगे तब भी इस बिल्डिंग में पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाईली पॉपुलेटेड एरिया होने की वजह से पार्किंग स्पेसेस इस एरिया में कम पड़ जाते हैं, तो बुलेवर्ड वॉक विजिट करने वालों को ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होगी। और हमने पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, द सेफ्टी, सिक्योरिटी और फैमिलीज को देखते हुए ये मल्टी लेवल कार पार्किंग बनवाई है। अब एक एक करके आपको इस प्रोजेक्ट के सभी सेक्शंस को दिखाते हैं और वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज रिवील करेंगे आपके लिए, जिसको जानने के बाद आप इस प्रोजेक्ट में जरूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आइए अब आपको ले चलते हैं बुलेवर्ड वॉक के अंदर और दिखाते हैं कि अंदर हमारा कंस्ट्रक्शन किस लेवल पर पहुंच चुका है, और अंदर का आइडिया लेने के बाद आपको बुलेवर्ड वॉक में इन्वेस्टमेंट का पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अभी हम आ चुके हैं बुलेवर्ड वॉक में द विंग में 29th फ्लोर पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस स्पेसेस और कोवर्किंग स्पेसेस ऑलरेडी फंक्शनल हैं। ये हमारा होम एंड सोल का ऑफिस है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस और कोवर्किंग स्पेसेस। अभी हम 29th फ्लोर पे हैं और ये ऑफिस पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है। तो अब हम आ चुके हैं बुलेवर्ड वॉक के टॉप फ्लोर्स पर, जहां पे 30th फ्लोर पर रोडीज कैफे और 31st फ्लोर पर रोमियोज लेन आ रहा है। और आप देख सकते हो कि इस टॉप फ्लोर से बाहर का नजारा कैसा दिख रहा है। ये एक ब्यूटीफुल लोकेशन है जहां से आपको नोएडा एक्सटेंशन की सोसाइटीज क्लियरली दिख रही हैं, और यहां पे बहुत ज्यादा ग्रीन एरिया जो है वो भी बिल्कुल विजिबल है। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, मोहाली, जालंधर, लुधियाना के बाद रोडीज अब आ गया है नोएडा में, और रोमियोज लेन जिसकी पूरे भारत में अब तक 32 ब्रांचेस
गोवा, देहरादून, दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में ऑलरेडी फंक्शनल हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बुलेवर्ड वॉक को बनाता है बिल्कुल यूनिक, क्योंकि ये बन गया है नॉर्थ इंडिया का टॉलेस्ट क्लब एंड कैफे। सेकेंड टावर में द हॉल्ट है, जिसमें 12th floor से 15th floor तक हॉलीडे इन होटल है और 16th floor से 31st floor तक प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं, जो हॉलीडे इन ही मैनेज करेगा, और आप इसे सेल्फ यूज के लिए भी ले सकते हैं। तो अभी हम खड़े हैं बुलेवर्ड वॉक के द रोडी सेगमेंट में। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको व्यू कैसा दिखेगा। हमारे व्यूअर्स के लिए एक सरप्राइज, जो पहले मैंने रिवील नहीं किया था, वो सरप्राइज ये है, बुलेवर्ड वॉक की लिमिटेड इन्वेंट्रीज पर हम अपने इन्वेस्टर्स को 20% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और इसके साथ हमारी कुछ इन्वेंट्रीज पर जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक्स के थ्रू। यानी आज आप इन्वेस्ट करते हो और अगले 5 साल के लिए पोस्ट डेटेड चेक्स आप अपने पॉकेट में रख के हमसे वापस ले जाते हो। तो आप समझ सकते हो कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं कि रोडीज, रोमियोज लेन और ये एंटायर बुलेवर्ड वॉक कॉम्प्लेक्स हमें कितना प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ ऑन बोर्ड आए, तो भरें अपनी पॉकेट को अमेजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ। तो इस प्रोजेक्ट में नॉर्थ इंडिया का टॉलेस्ट क्लब एंड कैफे है। 580 नंबर ऑफ यूनिट्स होने के वजह से इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीमलेसली कनेक्टेड है। 97% रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होने के वजह से फुटफॉल भी बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी, और इस वजह से इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आपको देगा एक अनपैरेलल्ड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो फिर देर किस बात की, अगर आप भी उन विजनरी और फ्यूचरिस्टिक लोगों में अपने आप को काउंट करते हैं जो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो फिर नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बुलेवर्ड वॉक लिखें। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को असिस्ट करेगी। हम आते रहेंगे ऐसी ही और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।